नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को, हमारे सब सुनतक को, सभी दोस्तों को। आज पुनः हम आप लोग का स्वागत करते हैं और आए दिन लगातार हमारे पास हमारे मित्रों का, दिव्यांगजनों का, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो फोन आते रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। तो आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण लिंक के बारे में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का शिकायत सेल है, उसकी लिंक में हम लोग डाल रहे हैं, जिसमें लगातार आपको कोई भी समस्या हो आप सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप मानिए इस शिकायतों पर काम हुआ। मैं खुद अपने कई शिकायतों को इस पर डाला हूँ, उसका काम हुआ। तो मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारे इसके बाद कैसे कैसे आपको माननीय प्रधानमंत्री से शिकायत करना है, ये मत सोचिए कि ये भारत सरकार का है। आपको अपने गाँव में, पड़ोस में, आस पड़ोस में कहीं भी आपको ठग रहा है, चीट कर रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, बार बार आप दौड़ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का योजना है, वो चाहे जमीन का योजना है, चाहे सर्टिफिकेट का योजना है, UDID का योजना है, आपको नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, समस्या, और खासकर मेरा दिव्यांग बंधुओं, उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि आपकी लगातार हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप, मैंने बार बार बोलता हूँ कि बिहार लोक शिकायत है या सूचना का अधिकार है, उनसे भी मांगिए, पत्र लिखिए। और आपको तो बहुत आसान सा आपको लिंक दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, PMO का शिकायत। और ये पूरे वीडियो को देखिए आप इस लिंक पर, और लगातार पूरा वीडियो को फॉलो कीजिए कि कैसे कैसे आप एक आवेदन भी करके बताया जाएगा कि किस तरह आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। और उस जो कंप्लेंट नंबर है, तो शिकायत संख्या को आप नोट कर लीजिए और लास्ट में स्टेटस आपको पता चलते रहेगा। और मेरा मानना है कि आपने इसको जरूर आप देखिए और इस कंप्लेन को आप जरूर लिखिए। निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जो वास्तविकता, अगर आपका काम होने वाला रहेगा, लीगल है, तो निश्चित रूप से आपको काम होगा। तो आइए हम इस जो लिंक है उस पर चलते हैं और इसको पूरी जानकारी आपको साझा करते हैं। आप इस पूरे देखते रहिए और इस हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी अभी आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे वही वो लाभ ले सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जहां पे हमारा वो लिंक है, जहां से आप उसको क्लिक करके आप प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अपनी शिकायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल मैं अपने चलता हूँ नोटबुक पे। मैं आपको नोटबुक पे अपने लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से मैं, यहाँ मैंने अपना नोट्स खोल लिया। नोट्स खोलने के बाद मैं इस क्लिक पे जाता हूँ और इस क्लिक को यहाँ पे जो भी मेरा लिंक है उसको मैंने सर्च किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो देखे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें, जिसमें आप अपने विचार, सुझाव, राय यहाँ साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको यहाँ प्रधानमंत्री को लिखना है, मैं अपनी शिकायत को यहाँ दर्ज करूँगा और मेरी जो शिकायत है वो भी बहुत ज़्यादा बिहार के दिव्यांगजनों से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से देखें। तो मेरी जो समस्या है, मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको आगे करना है। इसमें आप दो चीज़ें सीख रहे हैं, इसमें बिहार के दिव्यांगजनों के लिए दो चीज़ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक तो वो अपनी समस्या के अनुसार प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं और दूसरा जो है कि बिहार में जो आपको 17/12/2021 को जो दिव्यांगजनों के लिए मद निषेध विभाग में बहाली आई थी, उसमें जो दिव्यांगजनों की बहाली को समाप्त कर दिया गया था, उसके ऊपर मैं यहाँ पे आवेदन करने जा रहा हूँ खुद मैं अपने स्तर से। तो दो चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपको यहाँ जो मैंने बताया था कि मैं मद निषेध विभाग की बहाली में जो दिव्यांगजनों के रिक्त को, दिव्यांगजनों के पद को जो हटाया गया, उसके लिए मैं आज यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर सबसे पहले आपको आएगा कि प्रधानमंत्री को लिखे, इसमें लिखा हुआ है, जिसमें जो स्टार हच लगा हुआ है, कृपया आगे बढ़ने के लिए मोबाइल नंबर या अपना ईमेल प्रदान करें। तो इसमें दो चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर या दो चीज़ मतलब ये मोबाइल नंबर दें या ईमेल दें। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों दे देते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ जो कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका सुरक्षा कोड है, यहाँ पर जो सुरक्षा कोड है इसको मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, AR H, फिर उसके बाद है आपका स्मॉल P, है ना, उसके बाद फिर आपका है Z, उसके बाद फिर Y, ये आपका पूरा ARHPZY ये आपका हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ से OTP प्राप्त करते हैं, यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दिया। अब हमको दो जगह OTP प्राप्त हुआ होगा,
एक तो देखिए पहले जो हमारा मैसेज में चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ मैसेज को खोलते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो आपको मोबाइल की पुष्टि के लिए ओटीपी, इस ओटीपी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब पुनः मैं वहाँ पे चलता हूँ प्रधानमंत्री जहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस ओटीपी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ईमेल ओटीपी हमको जाना है तो पुनः मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से मैं अब प्रयास करूँगा कि मैं अपने मेल पे आ जाऊँ। तो मैं पूरा यहाँ से मेल खोल भी लेता हूँ। देखिए एक नोटिफिकेशन आया आया भी है, यह देखिए PMOPG है ना, यहाँ लिखा हुआ PMOPG शिकायत पंजीकरण OTP। अब इस OTP को भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से पुनः मिनिमाइज करके फिर मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जमा कर देता हूँ। जमा करें, हो गया। अब मैंने मेरा नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब मैं अपनी नाम यहाँ दर्ज करूँगा तो मेरा नाम हो गया यहाँ पे धीरज कुमार। चलिए धीरज कुमार मैंने फिल कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर शिकायतकर्ता की श्रेणी क्या शिकायत है, जैसे आप यदि पुरुष हैं, स्त्री हैं, ट्रांसजेंडर हैं या अन्य, तो मैं पुरुष हूँ तो मैं यहाँ पे पुरुष पे क्लिक कर दिया। हमारा राष्ट्र भारत हो गया। मैं अपना राज्य सिलेक्ट करूँगा कि मेरा राज्य क्या है, तो मेरा राज्य जो है आप जान रहे हैं कि हम बिहार से हैं, तो मैं अपना राज्य यहाँ पे बिहार डालूँगा। बिहार बिहार कहाँ, ये देखिए बिहार, आप जिस राज्य से हैं वो आप डाल सकते हैं। जब राज्य डालते हैं तो उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं नालंदा से हूं, तो मैं नालंदा अपना डाल देता हूं, ज्ञान की धरती नालंदा मैंने यहां डाल दिया। अब यहां पे अपना पता दर्ज करना है तो अपना पता भी यहां पे दर्ज करें कि हमारा क्या जो गांव है। तो सबसे पहले अपना जो ग्राम या फिर अपना जो विलेज है, विलेज ठीक है, विलेज यहाँ पर मैंने लिखा विलेज थरथरी बाजार कर दिया। फिर यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट ठीक है, पोस्ट यहाँ पर मेरा जो हो गया ये हो गया रायपुर कोयल बीघा, ये मेरा पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना पीएस डाल देता हूँ, पीएस ये मेरा पीएस हो गया, पीएस हो गया मेरा थरथरी हो गया। पिन कोड मैं अपना पिन कोड भी डाल देता हूँ यहाँ पे 80 31 20 डाल दिया। अभी हमें अपना फ़ोन नंबर मैंने तो डाल ही रखा है, एक मोबाइल नंबर डाल रखा है, ईमेल भी हम रहा है। श्रेणी, अब मेरी श्रेणी को चयन किया जाएगा। अभी अभी अभिवादन है, शुभकामनाएं हैं, मेरी ये कैटेगरी है कि किस रूप में आप वहाँ पे दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री के साथ नियोजित भेंट के लिए, लोक शिकायतें हैं, वित्तीय धोखाधड़ी घोटाला, सुझाव के या प्रतिक्रिया है, संदेश अनुरोध है, तो हम शिकायत कर रहे हैं लोक शिकायत, तो लोक शिकायत में हम डाल दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको देना है कि शिकायत का विवरण करना है कि ये शिकायत है क्या। तो चलिए शिकायत क्या है, तो इस शिकायत भी मैंने लिख लिया है और इसको जो है अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको फिर से चलना पड़ेगा अपने नोट पे, नोट्स पे यहाँ पे मैं आ गया लिंक के पहले। यहाँ से मैं इसको हटता हूँ और मैंने जो लिखा है अब आप यहाँ से देख लीजिए, मैंने लिखा है क्या कि सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार, भारत। विषय है हमारा बिहार सरकार द्वारा मद निषेध विभाग में सिपाही भर्ती के लिए निकाले गए दिव्यांगजनों की बहाली को रद्द करने के संबंध में। बाकी डिटेल्स है इसमें मैं बता देता हूँ। महाशय सबने निवेदन यह है कि बिहार सरकार द्वारा दिनांक 17/12/2021 को मद निषेध विभाग में सिपाही भर्ती की सूचना निकाली जाती है, जिसके बाद पूरे बिहार के सकलांग एवं दिव्यांग छात्रगण इस बहाली के लिए आवेदन करते हैं। परंतु 6 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि मद निषेध विभाग ने इस बहाली में दिव्यांगजनों के क्षैतिज आरक्षण को समाप्त करते हुए सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों से अपील की है कि आप इस पद के लिए आवेदन न करें। साथ ही जिन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन दिया है उनका एग्जाम फी रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे बिहार के दिव्यांगजनों में निराशा है महोदय, जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 20 में दिव्यांगजनों के समान अवसर की बात कही गई है। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि दिव्यांगजनों की को सरकारी नौकरी, सरकारी एवं गैर सरकारी बहाली में 5% का आरक्षण भी है, जिसका पालन नहीं हुआ। अतः आपसे विनम्र विनती है कि आप कृपया दिव्यांगजनों को हित को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए इस अन्याय को गंभीरता से ले एवं पूरे बिहार के दिव्यांगजनों को न्याय, जिससे पूरे बिहार के दिव्यांगजनों को न्याय मिल सके। यहाँ पर मैं अपना नाम आपका शुभेच्छु दिव्यांग धीरज कुमार। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा कि इसको ऑल सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी कर लिया। अब पुनः ब्राउजर पे चलते हैं जहाँ से मैं आवेदन कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं आपका पूरा 3355 अक्षर दर्ज।
अब यहाँ से मैं इसको जमा कर रहा हूँ। यहाँ पे अब बता दिया गया कि आपका संचार निम्नलिखित पंजीकरण के साथ सफलतापूर्वक दर्ज किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही हमें एक मैसेज भी आ गया है, तो जल्द ही इसका कुछ रिप्लाई भी आएगा। तो आप यहाँ से दो चीज़ें सीखने को आपको यहाँ मिल रही है। एक तो पहले आप जान के देखिए, अभी एक मैसेज आया, यहाँ लिखो आपका संदेश पंजीकरण संख्या इतना के साथ पंजीकृत किया गया है, कृपया इतना पर जाएं और अपनी व्यू स्टेटस, यहाँ से स्टेटस भी देखने के लिए है। वो चीज़ें मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आज आपको मैंने बताया कि बिहार सरकार जो हमारे साथ जो ये दिव्यांगजनों के साथ जो ये नाइंसाफी हुई थी, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मैंने आवेदन भी दिया है। तो आप दो चीज़ें सीख गए, एक तो आवेदन करना आप जान गए और आपको एक सूचना भी मिल गई कि मंदिर से जो रिलेटेड हम लोगों ने चाह रहा था अपने चैनल के माध्यम से कि इसके लिए कंप्लेन किया जाए, तो वो भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।